जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। Vivo Z1 Pro, अभी इस फोन को मैं एक दिन से यूज कर रहा हूं। क्या गजब का फोन है यार। अभी इसका फुल रिव्यू तो आने वाला है, वो भी अनबायस, पर उससे पहले आपको एक बात कह दे, Vivo Z1 Pro में आपको 5000 mAh का एक मैराथन बैटरी मिलता है, पर जो यूनिक फीचर्स आपको यहां पे दिया गया है वो है रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन। यानी आप इस Vivo Z1 Pro को एज ए पावर बैंक भी आप यूज कर सकते हो। यानी ये देखिए आपका पावर बैंक और ये देखिए ये आपका Vivo Z1 Pro। तो एज ए पावर बैंक आप Vivo Z1 Pro को यूज कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन Vivo Z1 Pro पे दिया गया है ये कैसे काम करता है। साथ में मैं यहां पे Vivo Z1 Pro के द्वारा यहां पे Poco F1 को भी चार्ज करके दिखाऊंगा और यहां पे Redmi Note 7 Pro को भी चार्ज करके दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, यहां पे ये देखिए मेरे पास एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड कैसे काम करता है यहां पे Vivo Z1 Pro में क्या काम करता है ये तो मैं दिखाऊंगा। साथ में यहां पे मैं माउस का भी एक यूज करूंगा, यानी माउस भी यहां पे कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगे तो लाइक करके उत्साहित कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर पुश कीजिएगा, इससे आपको हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन और अपडेट जरूर मिलता रहेगा। तो चलो करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। तो ये देखिए, ये रहा Vivo Z1 Pro। अब काफी अच्छा लगा इस फोन को इस्तेमाल करके। अब इसमें आपको 5000 mAh का एक बैटरी मिलता है जो बहुत ही मैसिव है, पर जो यूनिक फीचर्स इसमें दिया गया है वो भाई गजब का रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन। तो चलिए, मेरे पास Poco F1 है और Redmi Note 7 Pro, मैंने इस दोनों फोन को चूज किया है। चलिए अब Vivo Z1 Pro के द्वारा रिवर्स चार्जिंग के द्वारा अब उन दोनों फोन में मैं चार्ज करके आपको दिखाऊंगा। अब रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन, या अगर आप चाहते हो कि आपके Vivo Z1 Pro पे कोई माउस या कोई अलग डिवाइस यूज करना, तो आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाके देखिए, आपको यहाँ पे OTG का एक ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये जो OTG का ऑप्शन है ये ऑफ रहता है, आपको यहाँ पे इनेबल करना है। ये देखिए मैंने इनेबल कर दिया है। देखिए यहाँ पे मेरा जो Redmi Note 7 Pro है वो चार्ज हो रहा है। यानी आप Vivo Z1 Pro को यूज करके कोई भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। यानी Vivo Z1 Pro एज ए पावर बैंक काम करता है। इतना ही नहीं, Vivo Z1 Pro में जो रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन है वो भी काफी अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। ये देखिए मेरे पास है Poco F1। अभी Poco F1 में भी मैं चार्ज करके देखता हूँ क्या ये चार्ज होता है या नहीं। तो ये देखिए अब मेरा जो Poco F1 डिवाइस है वो भी यहाँ पे चार्ज हो रहा है। तो काफ़ी गजब का लगा ये फीचर्स भी, और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है ये जो Vivo Z1 Pro इसका जो रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन। कि मेरे पास एक Xiaomi का पावर बैंक है, अभी इस पावर बैंक को भी मैं चार्ज करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जो मेरा Xiaomi का पावर बैंक है वो यहाँ पे चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है। ये देखिए ये मेरे पास एक वायरलेस माउस है, अभी इसको भी मैं मेरे जो Vivo Z1 Pro हैं उसके साथ कनेक्ट करता हूँ और देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने मेरे Vivo Z1 Pro के साथ ये जो वायरलेस माउस है इसको कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए कैसे ये काम करता है देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए, ये रहा सेटिंग्स और ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं ये। और भाई माउस का उपयोग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, काफ़ी काफ़ी बढ़िया लगा। और कोई भी ऐप्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो और स्क्रॉलिंग भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है। ये देखिए ये मेरे पास एक कीबोर्ड है, अब इस कीबोर्ड को भी मैं Vivo Z1 Pro के साथ कनेक्ट करता हूँ और ये कनेक्ट हो गया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैप्स लॉक अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन लाइट्स शो हो रहा है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी काम कर रहा है।
क्या बात है यार। आप आपके Vivo Z1 Pro में कोई भी एक्सटर्नल गैजेट्स को यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल डिवाइस को यूज कर सकते हो, चाहे वो एज ए पावर बैंक हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स बनता है दोस्त। आगे और भी वीडियो लेके आऊंगा, जैसे स्पीड टेस्ट, बैटरी टेस्ट और टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत कुछ। धन्यवाद।